व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, मुझे पता है आप सभी मुझे पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले मेरा एक और चैनल था व्लॉगिंग का, वो डेट हो चुका है, वो टर्मिनेट हो चुका है। लगभग 27,000 फॉलोवर्स थे उसमें, मतलब सब्सक्राइबर थे, और काफ़ी अच्छा था मेरा उसके अंदर भी, बहुत मेहनत थी, लेकिन यूट्यूब ने उसे डिलीट कर दिया है। मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ ये जो टर्मिनेट का मेरे पास ईमेल किया था यूट्यूब ने, तो आप इसे देख लीजिए। और मुझे आपके सपोर्ट की वापस ज़रूरत है, आप फिर से मुझे सपोर्ट करिए। तो आज का फर्स्ट ब्लॉग है जो वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं वापस मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज के ब्लॉग में जो हुआ सो हो गया, छोड़ो, अब टर्मिनेट हो ही चुका है, डिलीट हो ही चुका है, कुछ नहीं कर सकते, पूरी मेहनत पानी में चली गई। मैंने मूव ऑन किया है वापस, 15-20 दिन से मैं बैंक डिप्रेशन में था, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने वापस प्रण लिया कि वापस मेहनत करेंगे, वापस यूट्यूब पे वापस आएंगे। तो आज मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, और आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल जगह पर लेके आया हूँ। कैमरा मैन जरा फोकस करो। ऑलराइट, ठीक है। तो गाइस, जो हुआ सो हो गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार मोहब्बत दिखाना, सब अपनी सब्सक्राइब करके जाना। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, बेसिकली मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरी उम्र 20 साल है और मैं BA कर रहा हूँ फिलहाल, तो ज़्यादा और कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। हैंगिंग ब्रिज है, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। आज मैं मेरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको कोटा हैंगिंग ब्रिज का थोड़ा सा टूर भी दूंगा, तो आई होप आप सभी को मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन हो ही चुका है, थोड़ा सा आपको नज़ारे दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो हमारी तरफ ये झाड़ियों पर बेर भी आए हुए हैं। तो मेरा दोस्त गोलू, जो कि मेरा काफी पुराना दोस्त है, ये यहाँ पर बोल रहा है। भाई, पब्लिक को कुछ बोलना चाहोगे? लाइक करो, सब्सक्राइब करो बस। ओके गाइस, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो हुआ सो हुआ, वो तो मैं भूल चुका हूँ, उसे जिंदगी भर याद रखूंगा, जिससे होने वाला कुछ नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ कि वापस मेहनत करके आप सब लोगों का प्यार वापस से कमा सकता हूँ। ये मेरे पीछे हैंगिंग ब्रिज है, चलते हैं थोड़ा बहुत आपको उधर का भी बता देता हूँ मैं आपको। गोलू भाई तो फिलहाल बोर खाने में व्यस्त है, दबा के बोर खा रहा है, तो ठीक है आगे चलते हैं। तो देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से बेर आते हैं, और कितने लाल लाल है, खट्टे मीठे लगते हैं, और बहुत शानदार लग रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं इस झाड़ी पर, खट्टे मीठे लगते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने तोड़ के भी खाए, ये जस्ट आपके सामने मैं तोड़ के खा रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं गाइस। और आप भी बताना कि आपकी तरफ भी इस तरीके के बोर आते हैं क्या, हमारी तरफ बोर बोलते हैं इनको, छोटे वाले बोर। तो ठीक है, चलिए उधर आगे का नज़ारा बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, और इधर भी बहुत खतरनाक नज़ारे हैं, पूरा पहाड़ी एरिया है, पथरीला एरिया है, तो आइए आगे का बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत। ऑलराइट गाइस, तो आप मेरे पीछे का देख ही सकते हो, अभी सर्दी का टाइम है, नदी में भी ज़्यादातर तो ओस धुंधी धुंध दिख रही है, और इधर ये मेरे पीछे हैंगिंग ब्रिज से आपको शायद यहाँ से ठीक से ना दिख रहा हो, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है, ओस बरसती है। आप बोलोगे अगर कमेंट करोगे तो मैं दोबारा वापस यहाँ का ब्लॉग बना दूँ जो प्रॉपर इसी पर ही होगा, और मेरे पीछे नदी है, और यहाँ से बेहद शानदार तरीके से नज़ारे, बहुत खतरनाक तरीके से, और इतनी खतरनाक जगह है तो देखे कि एक गलती हुई और इंसान सीधा मरेगा मौत के मुँह में, एक गलती हुई सीधा मौत के मुंह में। अब कुछ भाई कमेंट करेंगे कि भाई तू क्यों गया, भाई जाते हैं घूमने के लिए ऐसी जगहों पे, लोग जो खतरनाक खूबसूरत होती है ऐसी जगहों पे जाते हैं काफ़ी लोग। तो गाइस ठीक है, आज की ब्लॉग को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, क्या नहीं करेंगे आज ख़त्म, ठीक है। और आगे बढ़ाते भाई, गोलू भाई का कहना है कि ब्लॉग को और आगे बढ़ाओ, यहाँ पर ख़त्म मत करो, तो ठीक है ब्लॉग को अपन और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पीछे कुछ नज़ारे हैं, आप देख ही सकते हो, काफ़ी चौड़ी है, वैसे चंबल नदी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कोटा के लोगों के तो काफ़ी मददगार है, क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे पानी भी लाइट भी, जो कि दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे का कुछ नज़ारा बताते हैं और अपन घर पे चलते हैं। गाइस ये जो आप मेरे पीछे इसका देख रहे हो, यहाँ से बेहद ज़्यादा खतरनाक झरना बहता है, वो इधर सीधा नदी में जाके मिलता है। और इधर जो मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हो ना, ये नारसिंह माता जी का मंदिर है, यहाँ पर हर संडे को लोग पार्टी वगैरह करने भी आते हैं, इधर की साइड भी आते हैं, मतलब ये तो एरिया इस तरीके का है, पार्टी के लायक, घूमने फिरने के लायक, लेकिन ये जो जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एक बार जो इसमें फंस गया ना, उसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो
ये नरसिंह माता जी का मंदिर है और झरना इधर के साइड से आगे से बहता हुआ आता है और सीधा चंबल नदी में मिल जाता है। तो आज का ब्लॉग अपन खत्म करते हैं और चलते हैं घर पे, ठीक है। और राइट मैंने सोचा कि आपको दूसरी साइड का भी हिस्सा बता दिया जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और राइट गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज के ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आया होगा। ब्लॉग को चलिए ख़त्म करते हैं, हम भी घर पर जा रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है जगह सेफ नहीं, और वैसे भी इधर की साइड पुलिस वाले भी आते हैं तो परेशान भी करते हैं काफ़ी बार, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी दिक्कत हो। तो दिक्कत होने से पहले हम घर की तरफ जा रहे हैं। आई होप कि आप सभी को आज के ब्लॉग में मज़ा आया होगा। ये मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप सभी मुझे सपोर्ट करोगे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ इधर की साइड, तो थोड़ी सी ब्रीथ ऊपर नीचे हो रही है, तो डोंट माइंड। चलिए मिलते हैं तब तक अपन और किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। ओके बाय बाय।